बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही टेस्टी और मजे की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं, वेज पनीर पुलाव की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं भाई, वेज पनीर पुलाव की। ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों के लिए है जो नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते और जिन्हें वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट जो है मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने एक सॉस पैन ले लेना है, उसके अंदर हमने डालना है 3 टेबलस्पून ज़ीरा और 4 टेबलस्पून हमारे पास है साबुत धनिया, ये हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद हमने साबुत गरम मसाला ले लेना है। देखिए 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 6 लौंग हैं। बिल्कुल इसी क्वांटिटी में आपने ये ऐड कर लेना है। उसके बाद हमने एक छोटे साइज़ की आधी प्याज ली है और 1 साबुत लहसुन है। इस पूरे को हम एक साथ ऐसे ही एज इट इज़ बॉईल कर लेंगे। उसके बाद आपने ले लेना है सौंफ, 1/2 कप के करीब आपकी जो है सौंफ इसमें शामिल होगी और 1 जग पानी। सारी चीज़ें आपने ऐड करके इसको बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लें। इसको हाई फ्लेम पर ही आप बॉईल कर लें। जब जैसे जैसे बॉईल होने लगेगा वैसे वैसे आप पानी इसका स्ट्रेन करते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जान। जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक पतीला ले लेना है बड़ा सा और उसमें हमने शामिल कर लेना है 1 कप के बराबर पूरा तेल। ये गरम मसाला डालना है हमने, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, 6 अदद लौंग है, 3 बादियान के फूल हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और 1/2 टीस्पून जो है हमारे पास काली मिर्ची है, 4-5 पत्ते हमारे पास तेज पत्ते के हैं और थोड़ी सा ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा है। ये सारा आपने अंदर डाल देना है। तेल में अच्छी तरीके से ये क्रैक हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम अपनी बाकी की चीज़ें शामिल करें। इसके बाद ऑयल में हमने प्याज डाल देनी है। प्याज है हमारे पास 2 अदद हैं बारीक कटी हुई। हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है और सारा जो गरम मसाला है वो भी अपना फ्लेवर रिलीज़ कर रहा है। जब इसका हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून। हमने ये 12 हरी मिर्चें इसको चॉप कर लिया है, पीस के रख लिया है, ये डलेगा। पनीर का एक पूरा बार है वो डलेगा। 1 कप हमारे पास कैरेट है वो डलेगा। गाजर है 1 कप हमारे पास, अच्छी तरीके से आपने पतला पतला इन्हें स्लाइस कर लेना है। मटर है और 1 कप दही है और नींबू ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर हो। और 6 अदद आलू हमने इसको कट करके रख लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ओके जी, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे ताकि प्याज वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये प्याज को डिसॉल्व करने की ये ट्रिक है कि जब प्याज आपकी फ्राई हो जाए तो आप उसको इंटरवल से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं, तो इससे क्या होगा आपकी प्याज जो है डिसॉल्व हो जाएगी और मुंह में नहीं आएगी। उसके बाद हमने 6 अदद आलू काट के रखे थे, ये ऐड कर देने। मीडियम साइज़ के आलू थे 6। अब हमने 1 कप कैरेट काट के रखे थे पतले पतले से, वो डाल देने हैं, स्लाइस किए थे हमने इनको पतला। इंटरवल से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे ताकि आप प्याज जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो लगे ना। अब हमने अपने मटर शामिल कर देने हैं, 1 कप मटर हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे। इसको हमने स्लो में जो है पकने देना है ताकि हमारी जो वेजीज हैं ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं अपना फ्लेवर रिलीज करें। हमने नमक ले लिया है 4-5 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने हरी मिर्चें जो 12 हमने पीस ली थी इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ये ऐड कर लेंगे। दही हमने ऐड कर लेना है, 1 कप हमने दही लिया है और इसे फिर अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे
ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे जो वेजीज हैं वो सारे गल जाएं। आपने ये कोशिश करनी है कि अपना जो सॉस पैन है थोड़ा सा बड़ा लें ताकि सब चीज़ें जो हैं खुली खुली पकें। जब कोई भी खाना खुला खुला पकता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पकता है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ये देख लीजिए, मैंने चावल भिगो कर रख लिए थे। ये तकरीबन 1.5 केजी चावल हैं। आपके जो भी मेजरमेंट है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मेरी मेजरमेंट के हिसाब से ये 10 कप हैं वो चावल हैं। टोटल 10 कप्स जो हैं वो चावल हैं जिनका एक्चुअल क्वांटिटी है 1.5 केजी। ये चावल आपने भिगो के रख देने हैं तकरीबन 40-45 मिनट्स तक के लिए। फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करें। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। आलू अभी गले नहीं है तो इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर हमने पानी बॉईल किया था, वो पानी जो है वो स्ट्रेन करके डाल देंगे। जो यखनी बनाई थी हमने वो यखनी स्ट्रेन करके डाल देंगे। हम ऐसे ही डायरेक्ट स्ट्रेन कर रहे हैं, आपको जैसे भी स्ट्रेन करना है आप कर सकते हैं। इन मसालों में वापस से एक जग पानी डाल के यखनी को एक बार फिर से बॉईल करेंगे, एक और उबाल देंगे और फिर चावल जो है वो टोटल इसी फ्लेवर पानी में बनेगा। इसको हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। जब हमारे आलू गलते हैं तब तक हम पानी और थोड़ा सा बॉईल कर। ये देखें जी, हमने पानी ऐड कर दिया था अपने वेजीज में, सारी सब्जियों में हमने पानी ऐड कर दिया था यखनी का। अब यखनी जो है हमने फिर से बॉईल होने रख दिया ताकि हमारे चावल इसी फ्लेवर वाले पानी में पके और बहुत ही मजे का उसमें टेस्ट आए। तो हमारी सब्जियां अच्छी तरीके से गल चुकी, आलू भी गल गया है और बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चावल ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें यखनी ऐड करने लगे हैं। जो लहसुन हमने डाला था यखनी में वो हम पील करके इसके अंदर डाल देंगे तो वो बहुत ही मजेदार फ्लेवर दे। गल चुका है तो इस वजह से पील वो बड़ी आसानी से हो जाए। इस पानी में बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें अपने चावल भी ऐड कर। चावल इस तरीके से ऐड करेंगे कि चावलों का पानी जो है आपने अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लेना है, उसके बाद आपने चावल ऐड कर। तो राइस की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी, टोटल क्वांटिटी जो है हमारी 1.5 केजी है और इसको हमने 45 मिनट के लिए सोक कर लिया था। अब जितनी देर आप सोक करेंगे उतने ही आपके चावल मज़े के बनेंगे। इसका हम थोड़ा सा हिला लेंगे, हल्का सा हिलाना है हल्के हाथ से आपने, ऐसा ना हो कि आपके चावल जो हैं टूट जाएँ और उनका साइज़ छोटा हो जाए। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। चावल हमारे बन रहे हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी 4 हरी मिर्चें। इसको हमने 20 सेंटर से कट कर लिया है और इसमें जायफल जवेत्री का पाउडर बना लिया था हमने, इसको कूट लिया था, ये ऐड कर देंगे। और एक बड़ा साइज का लेमन लिया है, उसकी स्लाइसेस की हैं और ये ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब इसको आपने उसी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर देना है। देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमारे चावल पार्शली कुक हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से पकने लगे हैं। अब हम इसको जो है कवर कर देंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे, फिर थोड़ी देर बाद लो फ्लेम कर देंगे। 5 मिनट तक के लिए हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर छोड़ा था। देखें, हमारे जो चावल हैं पूरी तरीके से तो नहीं पके हैं लेकिन पक चुके हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी आपको, तो हमने देखें इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो आप पानी उतना ऐड कीजिएगा कि जितना ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर। ज़्यादा पानी आप ऐड नहीं की। क्वार्टर का पानी जो है मैंने इसमें शामिल किया है और इन चावलों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ऊपर के चावल जो हैं वो नीचे जाकर अच्छे से कुक हो जाए। लो फ्लेम पर जो है आपने अब इसको दम होने के लिए छोड़ दें। जब तक हमारा पुलाव दम हो रहा है तब तक पनीर जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने इसको सॉटे कर लेना है, सेक लेना है। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पैन में ऑयल लिया है, अब हम पनीर ऐड कर देंगे अपना। इसको हम हल्का सा जो है सेक लेना है। पनीर को सेकने से ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसको हम साइड जो है इसकी चेंज करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से किस कलर का आ जाए। या ओके जी, हमारा पनीर जो है वो ऑयल में अच्छी तरीके से सॉटे हो चुका है, सिक गया है ये। हमने इसकी जो साइड है वो पलट दिया, चेंज कर दिए इसकी साइड। अब इसको हम एंड में जो है ना इसी ऑयल के साथ जो है पुलाव के ऊपर से डाल देंगे। सही जी, हमारा जो पनीर है वो सॉटे हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि जो साइड नहीं हुई है वो इसकी हीट में होती रहे। मैंने दही लिया है, ये पूरा 1/2 केजी दही है। हमारे जग में ऑलरेडी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स थे, ग्रीन चिली फ्लेक्स, तो इस वजह से हमने ग्रीन चिली नहीं डाली है। अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। हमने हरा धनिया लिया है 1/2 कप।
और एक कप हमने पुदीना ले लिया, मिंट लीव्स, थोड़ा सा हमने पिंक सॉल्ट ले लिया है। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और हमारा रायता जो है बड़ा ही मजेदार से तैयार हो। तो रायता जब भी बनाए, एक टिप हमेशा याद रखें कि इसमें ना तो पानी ऐड करें ना ही दूध ऐड करें, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी और फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आप पानी ऐड कर देते हैं तो इसका कोई भी फायदा जो है वो नहीं होगा, पतला पतला सा रायता बनेगा। ये तो हमारा रायता बिल्कुल तैयार है, इसको भी हम जो आपको निकाल के दिखाएंगे बोल में कि कितना मजे का बना है। ये देखें जी कितना क्रीमी क्रीमी सा और मजेदार सा रायता जो है हमारा तैयार। ओके, अब बारी है हमारा जो मजेदार सा वेज पुलाव बना है उसको डिश आउट करने की। देखिए इसके जो चावल हैं किस तरीके से अलग अलग से हैं। तो ये जितनी भी टिप्स हमने आपको दी हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। और अगर आपको और भी ज़्यादा वेज रेसिपीज़ की डिमांड है तो ज़रूर बताइएगा क्या क्या बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे। तो हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है बनके, देख सकते हैं आप किस कदर मज़ेदार बना है। थोड़ा सा मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसा बना है, कैसा बना है और जो पनीर है वो कैसा है और वेजीज कैसे बने। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। मैं इसको थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। बहुत ही मज़ेदार सा है बिल्कुल भाई, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आला लग रहा है ये। चलें जी देखते हैं कि ये कैसा बना है, इसको डिश आउट करते हैं थोड़ा सा अपने लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं इसका पनीर जो है कितना जूसी और मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। मतलब इसके आगे तो, इस पनीर के आगे तो ऐसा लग रहा है चिकन भी फेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का और आला भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बनाने वाले के हाथ में और बरकत दे, आमीन सुम आमीन, और जायका दे। चलें जी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।